प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील, जिन्हें हम हिंदुस्तानी शेरनी भी बोलते हैं, नाजिया इलाही खान और पाकिस्तानी पत्रकार शैला खान के बीच में भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेके हुई जबरदस्त और तीखी डिबेट। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। पाकिस्तान का जो एक अनहोली प्लान है ना, वो कभी भी हम सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान जो है वो प्राइम एक्सपोर्ट करता है टेररिज्म को, और इससे दुनिया नॉलेजेबल है, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म फैक्ट्रीज बनाई जाती है। अभी दो घंटे टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशन किया है, पहले भी किया, अभी भी लॉन्च किया है। हम तो खुद टेररिज्म को खत्म करना चाहते हैं। हाफिज सईद का जनाजा कहां पर है, कहां कहां दफन किया हाफिज सईद को? हाफिज सईद मरा नहीं है, जिंदा है, मरेगा तो दफनाएंगे ना। अभी तो आपने कहा कि टेररिज्म आप खत्म कर रहे हो, अभी आपने कहा शाला काट रहे हैं ना पाकिस्तान। ये तो 2016 में भी और 18 में भी आपने कहा था, फिर अजीत डोवल जी ने जब ऑपरेशन स्कॉर्पियो किया तो पता चला कि वो कराची के एक आलिशान बंगले में। कि पाकिस्तान कभी भी टेररिज्म के बिना जी ही नहीं सकता है, जी ही नहीं सकता है, वो सफोकेटेड फील करेगा। जैसे देखिए मुसलमान सुधार रहे हैं प्रेजेंट में, इतने प्यार से आपको बुला रहे हैं, आप आज भी लड़ेंगे हमारे साथ, इस्लामाबाद में भी लड़ाई करेंगे क्या? नहीं, हम तो लड़ने ही नहीं जा रहे, हम तो औकात याद दिलाने जा रहे हैं, हम तो लड़ने जा ही नहीं रहे। आप लड़ पाएंगे हमसे? करना चाह रहे हैं हम आपके साथ, आप अपने मौजूदा सरकार और आप अपने मौजूदा ना पाकिस्तान के हालात के मद्देनजर हो करके मुझे ये बताइए कि भारत से लड़ने की हिम्मत है पाकिस्तान में? है पाकिस्तान में? लड़ पाएगा? शायद लड़ लेंगे। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि अपने दिल और दिमाग से निकाल दे पाकिस्तान ये बात कि हमारे भारत के जेम्स बॉन्ड डॉक्टर एस जयशंकर वहां जो जा रहे हैं तो उन पाकिस्तान के वजीर आजम को कोई भीख मिल जाएगी या कोई ट्रीटी या बायलेटरल का रिलेशन भारत से होगा? बिल्कुल नहीं होगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रही हूँ। एससीओ की मीटिंग को बहुत इंपॉर्टेंट समझ करके डॉक्टर एस जयशंकर को भेजा जा रहा है, क्योंकि वहां पर जो एससीओ के मेंबर आ रहे हैं उनसे, उन देशों से भारत के रिलेशन बहुत अच्छे है, इसलिए इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश की जा रही है। ये अब इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक हो गया। अब पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमने इंडिया को इनवाइट किया है, इंडिया डॉक्टर अजय शंकर आना और मोदी साहब का आना दोनों ही इक्वल है, क्योंकि डॉक्टर अजय शंकर अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। हम आपका वार्मली वेलकम करना चाहते हैं, हम आपके साथ बायलैटरल टॉक्स का आगाज करना चाहते हैं, हम आपके ऊपर जो बॉर्डर के ऊपर जो डिस्प्यूट है उसको खत्म करना चाहते हैं, हम आपके साथ कश्मीर के ऊपर टॉक करना चाहते हैं, हम आपके साथ जो है ना एक हेल्दी ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये चीजें हम सोचे बैठे हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर जब आएंगे कहीं ना कहीं हम बात भी करेंगे वो हेयर स्टेटमेंट की जो इधर से आती है उधर से आती है, और इस पाकिस्तान के जो न्यू यूथ है इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देख रही है कि एस जयशंकर आ रहे हैं पाकिस्तान, लड़ने वाली तो यहाँ पर या नाराज वाली तो कोई बात ही नहीं नजर आ रही। देखिए शैला, मैं दो बातें कर रही हूँ भारत की तरफ से, भारत को रिप्रेजेंट करके दो सवाल पूछ रही हूँ और दो ही बातों पे बात होगी अब। और एक सवाल, क्योंकि मैं भी औरत हूँ और आप भी औरत है, तो वो तीसरा सवाल और अंत होगा। पहला, भारत की तरफ से पहला सवाल, भारत को रिप्रेजेंट करते हुए, भारत में जो मुसलमान अत्याचारित हो रहे हैं और पाकिस्तान को ऐसा एहसास होता है, इनको उठा करके आप कब लेकर के जा रहे हैं? पहला। अच्छा, दूसरा सवाल, लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं खिला सकते, भारत के मुसलमानों का पेट कहाँ से भरेंगे? भारत के मुसलमानों के लिए चेचे चेचे क्यों करते हैं फिर वहां से बैठ करके? तो हमने तो ना खा पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं दो वक्त की रोटी, ना हक के धो पा रहे हैं क्योंकि पानी भी नहीं है वहां पर, पानी के लिए भी अभी कुछ महीने पहले रो रहे थे, ना पेट में डाल पा रहे हैं, ना हगावा धो पा रहे हैं, तो फिर काय को चिल्लाते हो भैया कि भारत में मुसलमानों को अत्याचारित किया जा रहा है?
अब दूसरा सवाल मेरा, दूसरा सवाल ये है कि पीओ के इज्जत से देंगे या पैसे वैसे लेकर के चुपचाप साइन करेंगे या हम भगवा झंडा लेकर के आए, मेरा दूसरा सवाल, वो भी आपके आपकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आपकी सरकार से है, आपसे नहीं है। लेकिन तीसरा जो सवाल है वो आपसे है, क्योंकि आप औरत हो, आप लड़की हैं और मैं भी औरत हूं, मैं भी महिला हूं, ठीक है? ठीक है। डॉक्टर जाकिर नायक, डॉक्टर तो वो है नहीं, जाली डॉक्टर है, इस्लामिक प्रीचर बोला जाता है, पर वो भगोड़ा है, आतंकी है। जाकिर नायक भगोड़े आतंकी ने जो ऑर्फेन यतीम बच्चियों के साथ, 8 साल, 11 साल, 12 साल की बच्चियों के साथ जो बदतमीजी वाली हरकत की है, क्या शैला खान उसको समर्थन कर रही है या जाकिर नायक की उस बदतमीजी, बेहूदगी और ठरकबाजी वाली हरकत को का वो विरोध कर रही है एज अ पाकिस्तानी महिला? मैं बिल्कुल अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना चाहूंगी कि हम इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि डॉक्टर जाकिर नायक है वो पाकिस्तान विजिट करेंगे। बिल्कुल भी राइट टाइम नहीं था इनको इनवाइट करने का, नंबर वन। नंबर टू के उन्होंने यतीम जो ऑर्फन जो गर्ल्स थी उनको जी इनामात नहीं दिए कि मेरे लिए महरम नहीं, ये मेरे लिए जायज़ नहीं है, तो मैं इनको देख नहीं सकता, इनको टच नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं पे उन्होंने वहां पर एक इस्लामी फिलोसफी दुनिया के सामने प्रेजेंट किया है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक का इस टाइम पाकिस्तान के अंदर मौजूद होना ना ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है और ना ही हमारे मुल्क के लिए। ये जितनी जल्दी हमारे हुक्मरान समझ आए तो उनके लिए उतने ही बेहतर होगा। हाँ, अब फिर दो बातें आपके पाकिस्तान के व्यूअर्स के लिए और आपके इंफॉर्मेशन के लिए। एक बात, हर घर के बाहर में एक कचरा होता, कचरे का डब्बा होता है जिसमें हम घर साफ करते हैं, तो हम कचरा उसमें फेंकते हैं और मेरा घर साफ सुथरा हो जाता है। एज अ प्राउड मुस्लिम सिटीजन ऑफ भारत, एज अ संवैधानिक मुस्लिम सिटीजन ऑफ भारत, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि एक और कचरा इस देश से निकल करके और पूरी दुनिया से झाड़ू मारा हुआ कचरा जाकिर नायक पाकिस्तान में जाकर के गिर गया, क्योंकि अनेक कचरे हैं पाकिस्तान में, तो एक और सही। दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगी कि जो उसने इस्लामिक फिलोसफी के जरिया इस पूरी दुनिया के सिविलाइज सोसाइटी को बता करके मुसलमानों की नजर शर्म से झुका दी है, उसको खोल करके समझना बहुत जरूरी है। शैला, अब लोगों को क्या लग रहा है कि 8 साल की, 9 साल की, 11 साल की जो बच्चियां स्टेज पर आई थी जाकिर नायक को फेलिसिटेशन देने के लिए, उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए, और उन्होंने जो इस्लाम का नारा बुलंद करते हुए कहा कि ये बच्चियां मेरे लिए गैर महरम है, तो इससे ये साबित होता है कि 8 साल और 11 साल की बच्चियों को भी वो देख करके कहीं मचल तो नहीं गए, कहीं उनको अपने नफ्ज पर काबू पाने से बेकाबू तो नहीं हो गए। अब कटघरे में खड़ा हर वो मुसलमान पुरुष हो गया है जो ऐसी मानसिकता नहीं रखता है, ऐसी सोच नहीं रखता है। मेरे अब्बा के पास मेरे उम्र क्या 40-45 साल की उम्र की भी कोई औरत आती है तो वो उसको बेटी ही बोलते हैं। तो जाकिर नायक उम्र के 74-75 साल का, उसने 8 साल की बच्ची में महरम और गैर महरम का अंदाजा लगाया क्यों? उसने सिर्फ अपनी ठरकबाजी और अपनी बेहूदगी साबित नहीं की जाकिर नायक ने, बल्कि हर एक खूबसूरत मुसलमान को, हर एक सिविलाइज्ड मुसलमान को, इंक्लूडिंग इस्लाम की खूबसूरती को उसने कहीं ना कहीं कटघरे पर पूरी दुनिया में खड़ा कर दिया है। उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तो बच्चियां भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुई। लेकिन खैर, हमारा टॉपिक है बड़ी खूबसूरत शख्सियत पे है, डॉक्टर अजय शंकर, और मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूंगी कि हम अपनी बड़ी अचीवमेंट समझते हैं और इंडिया का बड़ा एहसान मानते हैं कि वो डॉक्टर अजय शंकर को पाकिस्तान भेजने। देखिए, डॉक्टर अजय शंकर से बायलैटरल टॉक में कभी कोई विन नहीं कर सकता। बहुत ही जहीन, बहुत ही समझदार, और कहते ना कि जिसने यूरोप को, कहते ना कि दिन में तारे दिखा दिए, तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ और डॉक्टर अजय शंकर का कोई कंपैरिजन नहीं। लेकिन हम
एज अ पाकिस्तानी अपने लिए ये बहुत प्राउड फील करते हैं कि इंडिया की लीडरशिप पाकिस्तान आ रही है, और हम क्योंकि न्यू यूथ हैं हम चाहते हैं कि हमारे सबसे अच्छे अगर ताल्लुकात अगर दुनिया में कहीं हों तो वो हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के साथ हो। हम इस चीज़ से अब फ़र्क नहीं पड़ता कि गुज़िश्ता गवर्नमेंट से क्या की क्योंकि वो एक हिस्ट्री बन चुकी है, लेकिन प्रेजेंट हम भारत के साथ अपना खूबसूरत देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे भारत को एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे। हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इंडिया के साथ बैठ के कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करे। हम चाहते हैं कि दोनों गवर्नमेंट्स बैठ के, जिस तरह बॉर्डर हमारे सीन है जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत ही सैड मोमेंट है फॉर पाकिस्तान, क्योंकि आपका मुल्क बड़ा है, आपकी इकोनॉमी बड़ी है, आपके पास पॉपुलेशन की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें फर्क पड़ता है, हमारे आने वाली नस्लों को फर्क पड़ता है। तो इसलिए हम तो इसको एज अपॉर्चुनिटी देखते हैं, और हम अपनी गवर्नमेंट से भी यही तवक्को करते हैं कि वो इतना अच्छा इस्तकबाल करे भारत की लीडरशिप का पाकिस्तान की सरजमीन पे कि वो कुछ कहे ना कहे, ये जरूर कहे कि हाँ अपने ही लोग थे हमारे सामने। चलिए इंतजार रहेगा 15 और 16 का, और मुझे इंतजार रहेगा कि जिस हिसाब से यूएन में अपनी स्पीच को फेयरलेसली और करिज्मेटिक रखा था मेरे जेम्स बॉन्ड ने, ऐसी ही कोई तड़कती भड़कती और औकात पाकिस्तान की याद दिलाती स्पीच हम फिर से सुनेंगे। मेरे कान तरस रहे हैं, और फिर शैला मैं आपके साथ उस टॉपिक को लेकर के जरूर बैठूंगी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा नाजिर जी के साथ बातचीत करके। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, आपकी क्या राय है नीचे देखिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह शैला खान और नाजिर अली खान जी का पूरा डिस्कशन और ये जबरदस्त डिबेट आपको काफी पसंद आई होगी, जिसमें आपने देखा भारत की बेटी नाजिर खान जी ने न सिर्फ भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बात की, बल्कि डॉक्टर एस जयशंकर से लेके जाकिर नाइक तक का जिक्र किया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।